यहाँ कैसे पहुंचे, वीडियो देख करके आए या कैसे पहुंचे थे? सारे को धक्के खा गए मेरे भाई, जब भाई दोराए सारा का रेट भी घटा था मेरे भाई। अच्छा, भाई का रेट जायज लग गया और काम करवा भाई, काम बहुत बढ़िया, काम बहुत बढ़िया लगा, काम सारा जेन्युइन काम लगा। कपल टू कपल टच मैकेनिकल टच, बहुत बहुत बढ़िया। इस काम के लिए कितना जेब ढीली करनी पड़ी, कितने कितने का बिल लगा? खाली करा दिया, खाली करा दिया, ऐसा मतलब लग जाता है। अच्छा भाई साहब, एक बार को देखोगे ना भैया तो आपको ऐसा लगेगा आपने थिएटर लगवा दिया। अरे ये देखो, तो इसमें जो LED है ना वो भी इसमें इंस्टॉल हो चुकी है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो प्यारी रूप अपनी बारी में आ जाती है भाई, अगर LED लगा दो। दोस्तों, मेरी फिर से स्वागत है मेरे चैनल कारखाना पे, और प्रवेश भैया एक बार फिर से अपने साथ है। प्रवेश भैया बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पे। बढ़िया भैया जी। तो अभी आप जैसे अभी हमारे पास देख रहे हो ना, जो गाड़ी है ये है अपनी Hyundai की क्रेटा, और ये इसका नया वेरिएंट है, नया अवतार है, न्यू जो अपडेट वर्जन है वो इसका। ये बेस वेरिएंट आया था अभी आपके पास? बेस। तो बेस वेरिएंट में हमने क्या क्या चीज़ें करी है, ये सब चीज़ें अगर आप देख लोगे ना तो आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपनी नई वाली क्रेटा में क्या क्या चीज़ें करानी है। बहुत सारा आइडिया हम आपके लिए लेके आते हैं कि आप अपनी गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई करा सकते हो। तो प्रवेश भैया से ही पूछूंगा मैं, प्रवेश भैया बताएंगे अब। तो फ्रेंड में मैंने किया हूँ, हेडलाइट के अंदर LED एक्सेट लगाया हूँ। ठीक है, हाई लो अलग लगाते, दोनों लगवा सकते हैं आप। प्लस DRL भी लग जाएंगे क्रेटा के आगे वाली। ठीक है, तो ये प्रोविजन अपने पास है, आज तो खैर नहीं लगाया भैया ने, बट ये अपने पास लग जाता है। लगभग कितने रुपए लगते हैं इसके? 5500 रुपए लगा के। 5500 रुपए लगा करके फिटिंग के साथ, लेबर भी उसमें इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड है। जिस भाई को अगर वो जो सेंटर वाली जो LED आती है, यानी कि इसकी जो DRL आती है, वो आप लगवा सकते हो। और क्या किया है भैया? मिरर फोल्डिंग, मिरर फोल्ड भी हमने किया है इसमें, ऑटो फोल्ड मिरर भी हमने कर दिया। ये सब कुछ आपको अभी वर्किंग में दिखाएंगे, इसकी लाइट्स भी दिखा देंगे, मिरर फोल्डिंग में दिखाएंगे। पहले हम गाड़ी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। और क्या क्या किया भैया? ये साइड वेंट भी लगाया है, इंडिकेटर आते उसको हटा के बैंड लगाया। ठीक है, लोअर गार्निश, लोअर गार्निश, रेन वाइजर। पहले मैं लोअर गार्निश दिखा दूँ एक बार, ये कितने चार पीस में है जी भैया। ठीक है, बाकी इसमें डोर वाइजर आप देख सकते हो, रूफ रेल, रूफ रेल भी लग चुकी है इसमें। भैया कलर ऑप्शन भी होते हैं, यही कलर आता है इसके? ब्लैक सिल्वर आता है, ब्लैक सिल्वर आता है। ठीक है, और क्या किया भैया? डोर गार्ड, डोर गार्ड। ठीक है, पीछे बैक कैमरा, चलो वो भी एक बार दिखा देता हूँ। कहाँ लगाया भैया बैक कैमरा, दिखाओ। ये रहा ओरिजिनल फिट में, ये देखो भाई, ये तो ये रहा भाई, बिल्कुल अंदर की तरफ लगा दिया, बाहर से नजर भी नहीं आएगा, तो बैक कैमरा इधर लग चुका है। और भैया इसमें क्या क्या प्रोविजन और क्या क्या हम लगा सकते हैं? पार्सल ट्रे, पार्सल ट्रे लगाया हमने, खोल के दिखाओ। ये लो भाई, तो पार्सल ट्रे भी अपनी गाड़ी में लग चुकी है, ये देखो। ये मिरर फोल्डिंग आते हैं, ये देखो, तो ये इसके ओरिजिनल वाले जो कंपनी से लग के आए थे वो वाले मिरर है ये। हाँ जी, ठीक है, ये वाले, ये देखो, ये कैसे इसमें डंडी होती है, डंडी से आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, बट आपको वो अब फ्रेम है जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ये डमी लग के आता है, ऐसा फ्रेम खाली लग के आता है। ठीक है, तो ये भी निकाल के हमने इसमें सिस्टम अभी इंस्टॉल किया, वो भी अंदर से दिखा देंगे। ठीक है, और भी कुछ इसमें किया भैया? प्रोविजन भी बताते चलो ना, प्रोविजन भी बताओ कि हम इसमें और क्या क्या लगा सकते हैं। इसमें और क्या लगा तुम बता रहे हो ना, क्योंकि इसमें बूट लाइट लग सकते हैं, लगाना चाहते हैं तो। ठीक है, बेस ट्यूब डाले हैं। बेस ट्यूब कौन सा डाला भैया हमने? हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक का डाला है, ये देखो। ठीक है, तो साउंड भी काफ़ी अच्छा आएगा। इसके अंदर अपना स्विच देखिए, ओरिजिनल जर्मन कटिंग। ठीक है, कहीं से पता ही नहीं चलेगा कि ये भाई ये कटिंग करा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा ही आया था, ऐसा कंपनी से है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो फिनिशिंग काम में देख सकते हो। बाकी थोड़ा सा इसका कंट्रोल जो है वो चेक करवा देता हूँ मैं। तो देखो, मैं आपको मिरर एडजस्ट करके दिखाता हूँ यहाँ से, ये अपना साइड्स के लिए होता है। बाकी ये देखो, ये देख आप शीशे में देखो, ये देखो, ये राइट चला गया, ये लेफ्ट, और मैं यहीं से ऑपरेट कर रहा हूँ उसको, इसको नीचे एडजस्ट करना हो नीचे कर सकते हो, ऊपर कर रहा हूँ ऊपर कर सकते हो। ठीक है, और ये देखो ऑटो फोल्ड हो जाएगा, उस तरफ भी दिखाऊं, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर काम कर रहा है भैया, फिनिशिंग में कोई कमी नहीं है। और क्या किया भैया?
इसके अंदर दो सेट जीटीओ के कंपोनेंट डाले। ओके, जीटीओ के दो सेट, दो सेट प्लस डैम्पिंग हुआ है, वाटर गार्ड लगा है, हाइपर सोनी का एम्पलीफायर डाला हूँ इस साइड, ठीक है, सीट के नीचे। ओके ठीक है, इंडोर लगाए। काफी बड़ी स्क्रीन लगा दी अभी। 10.33 है क्या? नहीं, इससे ऊपर है, इससे भी ऊपर है। ये 12.25 वाली है शायद, यहाँ से कुछ आता ना। 12.38। अच्छा 12.3। ओके, तो आप स्क्रीन साइज एक बार आपको दिखाऊं मैं। एक तो ये कंप्रेसर डिस्प्ले आया है, यानी कि ओडोमीटर, ये और ये स्क्रीन हमने लगा कर दिया, काफी बड़ी। हाँ यार, मैं सो गलत मैं सोच रहा था, मैं तो 10.33 समझ रहा था, वो नहीं है, उससे भी बड़ी है, 12.38। ओके, यानी कि 12.38 भाई, काफी वाइड हो जाती है ये, देख सकते हो, ठीक है, जबरदस्त स्क्रीन हो जाता है। बाकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, थोड़ा सा एप्लीकेशन पे चलते हैं, ये देखो भाई, तो ये तो देखो सेटिंग के ऊपर है, कैसे कैसे सेटिंग करते हो इसमें, बहुत कुछ है इसमें यार, ये देख सकते हो भाई साहब, स्क्रीन साइज सच में भैया मजा आ गया यार, बहुत बड़ी स्क्रीन हो चुकी है ये तो, काफी वाइड हो चुकी है भाई साहब। एक बार को देखोगे ना भैया तो आपको ऐसा लगेगा आपने थिएटर लगवा लिया अंदर, काफी बड़ी स्क्रीन हो चुकी है, ठीक है। और अगर इसको पेयर कर दिया होगा तो मैं थोड़ा सा वीडियो भी दिखा देता हूँ, अगर चल रहा होगा तो। स्टीयरिंग कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, बोलो, स्टीयरिंग कंट्रोल, अच्छा क्रूज कंट्रोल राइट हाथ में। तो भैया क्रूज भी हमने इसको एक्टिव किया है क्या, क्योंकि बेस वेरिएंट था, इसमें आता नहीं है, नहीं आता इसमें, लगवाए तो एक्टिव करवा दिया हमने। ओके, तो देख लो भाई, यहाँ पर हमने जो बाकी के जो कंट्रोल्स हैं, यानी कि मल्टीमीडिया के, वो तो लगाए हैं, यहाँ पर क्रूज कंट्रोल भी आपका ना जो है वो अब वर्किंग हो चुका है। ह्यूंडई और किया में अच्छा मेरे को ये लगता है कि इसमें क्रूज कंट्रोल ना एक्टिव कर सकते हैं, मारुति और टाटा वालों में इनमें नहीं होती एक्टिव, ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे और लग गई है। और बाकी मैं स्क्रीन की बात करूँ तो यार काफ़ी सही है, बाकी इसके अंदर कनेक्टिविटी अभी नेट से है नहीं, भैया के फ़ोन से है, खैर कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे जब आप देखोगे ना अपनी गाड़ी में। स्टेयरिंग रैप किया है यहाँ पर, आप देखो तो लेदराइट इसको कर दिया है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में किया हुआ है, कपड़ा काफ़ी अच्छा लगाया भैया, ठीक है, तो ये देख सकते हो ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी आ रही है इससे, ठीक है। और नीचे बेस में फ्लोरिंग में ये देखो तो फ्लोरिंग भी हो चुकी है, ठीक है, फ्लोरिंग से होता है कि अपनी गाड़ी को आराम से क्लीन कर सकते हो, कोई इशू आता नहीं है इसमें। ऊपर देख रहा हूँ मैं, सनग्लास होल्डर भी भैया ने इसमें लगा के दिया है, अब हो गया, तो ये देख सकते हो आप, ठीक है, तो ये फंक्शन आप देख सकते हो। बाकी अपने सनग्लासेस आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है, तो कोई इशू नहीं आएगा आपके सनग्लासेस को, आपको डैशबोर्ड पे या कहीं आके रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो और क्या है भैया इसमें प्रोविजन? अच्छा सीट कवर भैया ने नहीं लगवाए इसमें, सीट कवर अभी नहीं लगा, बाद में आके लगवाएंगे, क्योंकि उनको शादी में जाना है, शादी में जाना है इसे थोड़ी जल्दी है। बाकी सीट कवर देखो जैसे कपड़े के आए हैं इसमें, बट हम इसमें लेदर राइड कर सकते हैं, और एक नंबर सीट अपने पास क्वालिटीज होती हैं, जैसा आप चाहोगे भैया वैसा आपको करके ऐसे मिल जाएंगे दे देंगे, ठीक है। बजट कहाँ से, मतलब इसका सीट कवर 4500 से स्टार्टिंग है, अब 12,000-14,000 जितनी रेंज है अपनी खर्च कर सकते हैं, क्वालिटी के ऊपर पैसे लगते, जितना पैसा डालोगे उतनी अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा देखो मैं प्रोविजन की बात बार बार कर रहा हूँ, जैसे मैं भैया को बोल रहा हूँ, तो आपके पास इंटीरियर का पूरा प्रोविजन होता है कि आप इस पर इंटीरियर करा सकते हो, यानी कि सॉफ्ट टच उसको करा सकते हो, डैशबोर्ड के ऊपर हो या फिर अपने जो साइड पैनल्स हैं इनके ऊपर हो, ठीक है भैया। सीट तो कवर लग ही जाएगा, आपके आर्मरेस्ट के ऊपर भी कपड़ा लग जाएगा, पिलर्स के ऊपर लग जाएंगे, जिस भाई को रूफ करवानी हो तो वो भी आप करा सकते हो, तो टोटली जो काम है ना ये अपने पास यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं भैया कि कस्टमर को बुलाते हैं, ओनर को बुलाते हैं, उनसे रिव्यू लेते हैं कि उनको ये काम कैसा लगा है। बिल्कुल भैया, भैया बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कारखाना पे आप सबका। तो भाई लोग आप लोग कहाँ से आए हो ये बताओ पहले? पानीपत से आए हो, अच्छा, तो भैया यहाँ कैसे पहुंचे, वीडियो देख करके आए या कैसे पहुंचे थे? सारे को धक्के खा के मेरे भाई, जब भाई दौड़ाए सारा का रेट भी घटा था मेरे भाई, अच्छा भाई का रेट जायज लग गया और काम करवा भाई, काम बहुत बढ़िया मेरे भाई, काम बहुत बढ़िया लगा, ठीक है, जैसा रेट लिया वैसे काम किया, मतलब काम तो तेरे नहीं देना बढ़िया, हमारे सेटिस्फेक्शन दे, लेकिन एक भाई था भाई चाय वाय नहीं मंगवा रहे, क्या बात है, देखो क्या है ना, मैं बता देता हूँ, आज है नवरात्रे को, आज आखिरी दिन था, अरे बहुत बढ़िया।
नहीं भाइयों का देखो, भाइयों का भी स्वभाव भी अच्छा है काफी, और भाई लोगों ने यहाँ पे शांति से काम कराया, ठीक लग गया अपने साथ, तो सारा काम फिट करा हुआ। चलो बहुत बढ़िया। तो भैया जब आप गाड़ी अपने घर लेके जाओगे, अब आप यार दोस्त पूछेंगे, फैमिली वाले पूछेंगे भाई कहाँ से काम कराया, तो बताओ कि पीयूष कार डेकोर से। बहुत बढ़िया, तो काम सारा जेन्युइन काम लगा, कपलर टू कपलर फिटिंग, टच मैकेनिकल टच, बहुत बढ़िया, कपलर टू कपलर फिटिंग, बहुत बढ़िया। भैया ने बताया, भैया देखो फॉर्मेलिटी थोड़ा सा मैं हर बारी करता हूँ कि अपने जो व्यूअर्स हैं वो देखते हैं, उनकी थोड़ी सी हेल्प हो। 10 में से अगर कुछ नंबर देना चाहो इस काम को, तो कितना कितना नंबर दोगे आप? वो हम तो 15 देंगे। 15 भैया आप? हां मेरे को, मैं आवाज दूंगा 10 में से 11। अच्छा, और आप? 10 में से 10 बस, 11.5 मेरे लगा ले। अरे वाह, तो बढ़िया, मतलब भाई लोग पूरे पूरे नंबर दे रहे हैं, खुश होकर के ला रहे हैं। 10 नंबर भाई। देखो अब काम की बात करता हूं मैं, इस काम के लिए कितना जेब ढीली करनी पड़ी आपको, कितने का बिल लगा? खाता खाली करा दिया ना, तो खाली करा दिया है, तो मतलब लग जाता है। तो भाई सामान भी दिया भाई, या ना भाई सामान, अच्छा। खाता खाली हो भाई, इतना सामान भी दवा लिया। अच्छा, हाँ। लगभग फिर भी कितना एक बिल मेरे भाई? सारा काम नो मान ले मेरे भाई, पहुंच गए हो 90,000 90 90 में होगा। सारा ने डेट डाट बोल ली थी, उस समय तो भाई आ गया 80-80 तक। अच्छा, हमने थोड़ा और सामान चढ़वाया भाई, 90 में भाई ना फाइनल करती भाई का, थी बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, घर से जब चले होगे ना, तो एक माइंड में लेके चलोगे बजट कि यार इतना ले चलते हैं? 50-60-70 हाँ, क्योंकि उसके बाद काम बढ़ाया है। बिल्कुल, फिर और काम पसंद आएगा, फिर और बढ़वा लिया। हाँ हाँ, काम करेगा भाई, तक यो काम करवा दे, बोला ठीक है, लाग रहा करण मकान ना यो और करवा। सही बात, जब काम अच्छा होने लगता है तो एक दो चीजें देखो बढ़ी जाती है कुछ ना कुछ। ठीक है, तुमने देखो अपने भाई कुछ कहना चाहते हो भाई लोग आप लोग? और मजे कर दिया भाई, मजे कर दिया ना। 9 बजे आए थे, हमें 1 घंटा 10 बजे सारे वर्कर आए हुआ, अंदर सारे मंड पेश के हुआ, एंड टेप टेप दिया काम सारा भाई, थोड़ी आने बाद वर्कर पड़ के ढीले। अच्छा, फिर तो कह के काम कर। चलो ठीक है, तो अपन भाई देखो अपने जो भाई लोग हैं ये तो खुश होकर के जा रहे हैं, क्योंकि इनकी गाड़ी में हो गया काम अच्छा, और ये तो 50-60 हज़ार रुपये का बजट लेके आए थे, लेकिन जैसे खुद बता रहे हैं कि भाई काम हमें अच्छा लगता रहा, हमने उसमें चीज़ें फिर बढ़ाते गए। ठीक है, तो ये होगा अगर जैसे आप आते हो, आप अपना बजट लेके आओ, आप चाहो तो उतना करा लो, और जो भी चीज़ें आपको एडवांस करानी है आप वो करा सकते हो, उसके ही पैसे लगते हैं फिर। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ काम कराना हो अपनी क्रेटा में, और जिस भाई को भी बेस टू टॉप कराना हो, यहाँ आ सकता है भैया के पास, कोई भी काम हो गाड़ी का, ठीक है, ये सब कुछ करके देंगे, कोई क्रेटा ही नहीं, कोई भी वेरिएंट हो, कोई भी गाड़ी हो, सारी गाड़ी काम होता है, सारी गाड़ियों का काम अपने पास होता है, हम तो गाड़ियों का सिस्टम हैंग कर देते हैं। तो अपनी गाड़ी में अगर ऐसा ही काम करवाना, तो आप यहाँ पर आ सकते हो पीयूष का डेकोर पे, सामने आप देख लो। ठीक है, बाकी भैया का फोन नंबर मिल जाएगा आपको स्क्रीन पे, एड्रेस मिल जाएगा, यहाँ आओ, अपनी मर्जी से अपनी गाड़ी में सारा काम करवाओ, कुछ अच्छा लगा हो कुछ बुरा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कारखाना को सब्सक्राइब नहीं किया। लाइक करें, शेयर करें, लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, दो तीन चीज मार तो कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाते। वाह, दे दो भाई, सारे बटन दबा दिए भाई अपने अपने, कंजूसी ना करिए कोई सा भी। ये देखो, तो इसमें जो एलईडी है ना, वो भी इसमें इंस्टॉल हो चुकी है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो प्यारी लुक अपनी गाड़ी में आ जाती है भाई, अगर एलईडी लगाते हो तो।